लाइसेंस। तो अगर पहले समास मैंने प्रारंभ किया था तो उसमें समास के छह भेद पढ़ाए थे, आज आप देख रहे हैं लिखा हुआ सातवां भेद। तो इसमें यह तीसरा नंबर का जो है नई समास, वास्तव में यह तत्पुरुष समास का ही भेद। पूर्व में पहले आप पढ़ चुके हैं अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है नई समास। इसमें किस समस्त पद का पूर्व पद अर्थात पहला पद नकारात्मक हो उसे नई समास कहा जाता है। जैसे अनंत शब्द विग्रह होगा न अन, अ का अर्थ होता है न, इसलिए नकारात्मक शब्द होने के कारण यह समास जो है वह नई समास के नाम से जाना जाता है। न धर्म अधर्म, न आदि अनादि। इस तरह हम देखते हैं कि जहां भी नकारात्मक शब्द हो, जब पूर्व पद नकारात्मक हो तो वहां नई समास होता है। कभी कभी विग्रह के करने के दरमियान यदि दूसरे ढंग से विग्रह कर दिया जाए तो वह समास कर्मधारय हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं है धर्म जहाँ, अधर्म हो जाए, या अधार्मिक नहीं है जो व्यक्ति धार्मिक, अधार्मिक कहा जाएगा, तो यह विग्रह पर भी समास निर्भर करता है। तो इस तरह से यदि विग्रह करेंगे तो यह नई समास में ही गिना जाएगा। चौथा है कर्मधारय समास। वास्तव में कर्मधारय भी तत्पुरुष का ही भेद है, लेकिन इसमें आपको मैंने बताया था उस दिन कि तत्पुरुष समास में एक व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्ता कारक में उक्त होता है, इसलिए उसको समास में अलग गिनती हो जाती है और उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, अन्यथा यह तत्पुरुष का ही है। तो जो समस्त पद विशेष विशेषण से युक्त हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महान है जो आत्मा, महात्मा। अब यहाँ महान शब्द जो है वह विशेषण है। महान है जो मानव, महामानव। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, इसमें इन सबों में महात्मा में या महामानव में विशेषण तो आया लेकिन कोई तुलनात्मक विशेषण नहीं। और यहाँ चंद्रमुखी ने चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के सौंदर्य से उस मुख की तुलना की, तो यहाँ यह अलग चीज देखने को मिलती है। तो वास्तव में यह कर्मधारय समास ही है, लेकिन कर्मधारय के भेदों में से इसकी गिनती होती है। कर्मधारय के वैसे तो सात भेद होते हैं लेकिन आपको पढ़ने हैं केवल तीन भेद। वह है उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय और उपक कर्मधारय। और जो भेद होते हैं विशेषो भयपद कर्मधारय, विशेषणो भयपद कर्मधारय, विशेषण विशेषण शुद्ध पद कर्मधारय और विशेष शुद्ध पद कर्मधारय। तो इतना डिटेल्स आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन
यह जो है उपमान कर्मधार है, उपमेय कर्मधार है और रूपक कर्मधार है, आपको पता है, उसको आगे बताएंगे। तो कर्मधार समास में आपने देखा कि यह विशेष और विशेषण से युक्त। पांचवा समास है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो, अर्थात विग्रह के बाद जो उक्त हो वह कोई तीसरा पद, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात इन दोनों पदों में किसी पद की विशेषता नहीं हो, एक अन्य पद की विशेषता हो जाती है। संस्कृत में इसीलिए इसकी परिभाषा दी जाती है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। तो अब यहां उदाहरण में देखेंगे, जैसे दशानन, दस आनन, दो पद है इसमें, दस और आनन, आनन माने भूत। तो दस आनन दशानन हो गया, लेकिन दशानन कहने से न इसमें दस शब्द की मुख्यता है न आनन शब्द की मुख्यता। दशानन कहते ही एक तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाती है और हमारे मस्तिष्क में एक तीसरे शब्द की रूपरेखा खींच जाती है और वह है रावण, क्योंकि रावण को ही दशानन कहा जाता है। दशानन अर्थात जिसके दस मुख हो, जिसके दस मुख हो अर्थात रावण। अर्थात रावण पीतांबर, पीत है अंबर इसका, अर्थात पीला वस्त्र पहनने वाला। तो न इसमें पीत की प्रधानता है न अंबर माने वस्त्र की प्रधानता है, प्रधानता है किसकी, विष्णों की या श्री कृष्ण की। पीतांबर कह रही दो छवि हमारे सामने आ जाती है, वह है श्री विष्णु और श्री कृष्ण की। तो पीतांबर पीत है जो अंबर, यदि ऐसा हम करेंगे तो यह कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन पीत अंबर है जिसका, इस तरह से हम विग्रह करेंगे तो वह विष्णु या श्री कृष्ण आता है उसका उत्तर, तब यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यह अंतर है बहुव्रीहि और कर्मधारय, केवल विशेषण विशेष से युक्त होने पर यदि उसका विग्रह होता है, विग्रह पर भी समास का उत्तर निर्भर करता है। तो यदि दस आनन और पीत अंबर यदि इस तरह से हम केवल विग्रह कर देते हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दस आनन का समूह ऐसा यदि हम विग्रह कर देते हैं तो द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि विग्रह करने पर समास की प्रमुखता निर्भर करती है। तो पीत है पीतांबर, पीत अंबर है जिसका, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण, यह समास जो है वह बहुत दूर समास हो जाएगा। छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, तथा इसके विग्रह करने पर दोनों पद और अथवा या से जुड़े होते हैं। योजक अव्यय इसमें विग्रह करने के बाद आ जाता है, वह अव्यय है और या और अथवा या। जैसे राजा और रानी, समस्त पद बनता है राजा रानी। भाई और बहन, समस्त पद बनता है भाई बहन। अब यहाँ भाई और बहन के बीच में और योजक आ गया, राजा और रानी के बीच में और योजक आ गया। ठीक उसी तरह पाप पुण्य, पाप या पुण्य,
धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। अब यहां देखिए कि भाई और बहन और जोजक वहां आया, पाप या पुण्य या जोजक आया, धर्माधर्म में धर्म या अधर्म आया। तो हम इसको धर्म और अधर्म भी लिख सकते हैं, परंतु वह उतना सटीक नहीं होगा जितना हम लिखते हैं धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य। और ऐसा इसलिए कि द्वंद्व समास का एक भेद यह हो जाता है वैकल्पिक द्वंद्व, माने विकल्प, एक दूसरे का विकल्प हो जाता है, धर्म का विकल्प अधर्म हो जाता है, पाप का विकल्प पुण्य हो जाता है। इस तरह से जस्ट अपोजिट, ठीक उल्टा जहां शब्द आवे वहां या से जो या योजक दे करके उसका हम विग्रह करते हैं। सातवां है द्विगु समास। यहां द्वंद्व समास नहीं, आपको उसके भेद नहीं पढ़ने हैं, ऐसे इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार। कभी कभी यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, कभी कभी बच्चे संदेहास्पद स्थिति में आ जाते हैं। जैसे शब्द है दाल भात, तो दाल और भात यदि हम ऐसा लिखते हैं तो वह द्वंद्व समास तो होगा, परंतु उसका वास्तविक भेद जो है वह नहीं हो पाएगा। जैसे दाल भात कहने का अर्थ ही है कि कोई व्यक्ति किसी को यदि खाने को मिलता है तो केवल दाल भात ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ सब्जी चटनी कुछ न कुछ अन्य वस्तुएं भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में वह जो हो जाता है समाहार द्वंद्व कहलाता है, और उसकी उसका जो विग्रह होगा वह होगा दाल भात वगैरह। जैसे कोई वाक्य बोलता है छत से गिरने के बाद उसके हाथ पांव टूट गए, तो केवल हाथ पांव ही टूटे ऐसी बात नहीं है, हाथ पांव में उंगलियां भी होती हैं। तो इसका हाथ पांव यदि करेंगे तो हाथ और पांव तो द्वंद्व समास हो जाएगा, परंतु सही अर्थ में यदि हम उसका विग्रह करते हैं तो उसको करना पड़ेगा हाथ पांव वगैरह, यहाँ समाहार द्वंद्व हो जाता है। अब मान लीजिए, यह आपको लोगों को मैंने इसलिए बताया कि परीक्षा में कभी कभी समास का विग्रह दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है इसका समस्त पद बताने और समास। तो आप मान लीजिए दे दिया हाथ पांव वगैरह, प्रश्न कहा समास बताने और इसका विग्रह करें, इसका समस्त पद बताने। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं, तो संदेह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम सीधे लिख देंगे हाथ पांव वगैरह, यह द्वंद्व समास है और यह समाहार। यदि उसका भेद पूछे तब, नहीं पूछे तो केवल द्वंद्व समास लिख देने से काम कर। अब सातवां है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, तथा समास होने पर वे समूह का बोध कराते हैं, जैसे चौराहा, अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह या समाहार, समाहार का भी समूह होता है। चवन्नी, चार आनों का समाहार। चौलड़ी, चार लड़ियों का समाहार। सतखंडा, सात खंडों का समाहार इत्यादि। परंतु यहाँ जब हम देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि द्विगु समास का पहला पद जैसे
संख्यावाचक है, वैसे ही कभी कभी बहुव्रीहि समास का भी पहला पद संख्यावाचक, जैसे पंचानन। तो पांच आननों का समूह यदि ऐसा हम विग्रह करेंगे तो वह द्विगु समास आ जाएगा, हो जाएगा। परंतु यदि हम उसका विग्रह करते हैं कि पांच आनन है जिसका वह अर्थात शुभ, तब वहां बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक उसी तरह से चतुरानन, चार आननों का समाहार यदि करते हैं तो वह द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन चार आनन है जिसके वह अर्थात ब्रह्मा, तब वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यह हम देख सकते हैं कि विग्रह करने पर भी समासों में भेद होता है, इसलिए हम विग्रह करने के पहले यह विचार कर लेंगे कि किस तरह से हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने के बाद वह कौन सा समास इस श्रेणी में आता है। अब समास प्रकरण के सभी प्रश्न आप हल करेंगे और आज समास प्रकरण मैं समाप्त करने जा रहा हूँ।